12 तारिखर राज्य में बढ़ ताती स्वाभाविक ठारु 3-5 डिग्री पर्यंत बढ़ पारद उपांतरु उपकूल सबुठी तापमात्रा वृद्धि हेबो मेघमुक्त आकाश सहित शुखिला पाग प्रभाव में राज्य में आरंभ हेबो ग्रीष्म लहरी विशेषकर आभ्यंतरण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा रे ताती वृद्धि पाइबो बोली पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणिपाग केन्द्र। वर्तमान राज्य में एक पश्चिमांचल सक्रिय रहिथिबा बेले उपकूल ओडिशा रे एक गुरुचाप बलय सृष्टि होइछि। प्रभाव में राज्य किछि स्थान रे हालुका वर्षा होइछि। विशेषकर गुरुचाप बलय प्रभाव में राज्य को सामुद्रिक पवन बा जलय बाष्प पूर्ण वायु प्रवेश करथवारु आर्द्रता वृद्धि पाइछि। फलरे उपकूल ओडिशार जिला गुडिकरे ताती सहित असह्य गुळगुळि अनुभूत होउछि। असंता 4-5 दिन पर्यंत राज्य रे भली पाग जारी रहबो बोली आकलन करा जाइछि। आज पश्चिमांचल प्रभाव रे उपकूल ओडिशा समेत केन्दुझर मयूरभंज कंधमाल सुंदरगढ़ अनुकूल ढेंकानाल कलाहांडी नवरंगपुर एवं बौद्ध रे हालुका वर्षा हेबो। राज्य रे केतक स्थान रे हालुका मध्यम धरण वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। गजपति जिल्ला रा उदयगिरी ठारे सर्वाधिक वर्षा 26 मिलीमिटर रेकर्ड करा जाइछि। जेबे कटक रा कंटापड़ा रे 10 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। सर्वोच्च दिन तापमात्रा गजपति जिल्ला रा पालाखेमुंडी ठारे 38.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। सेतेबारि केतक स्थान रे 36 डिग्री किंबा ताठारु अधिक दिन तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। भुवनेश्वर रे गतकाली 35.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइथिबा बेले कटक रे 34.2 डिग्री सेल्सियस दिन तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। बर्तमान कौन से निर्दिष्ट पाणीपागर प्रभाव नाही, किंतु बंगोपसागर जोटा ओडिशा उपकूलस्थ बंगोपसागर अंचल गोटे गुरुचाप बल सक्रिय रहिछि। जा प्रभाव में जलीय बाष्पपूर्ण वायु राज्य मध्य क्रमगत भाव प्रवेश करुछि। जो जलीय बाष्पपूर्ण वायु आमर उत्तप्त सूर्यकिरण संस्पर्श में आसी किसी अंचल मेघुआ आकाश सहित हालुका वर्षा मध्य अनुभूत करुछि। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।